लेडीज एंड जेंटमेन है मोड्यूल फोर्थ विच इज अबाउट द रिसर्च ऑन एक्संसी इन यू एस ए ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ और यूएसए के अंदर ये पहली दफ़ा ये देखा गया कि ये रिसर्च जो है यानी एक्स एफिशियंसी जो है वो आपके कैलकुलेटिव नंबर्स में कैसे आएगी आइए डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट एम्पेरिकल स्टडी जब हुई तो एक्स वॉज डन वन ईयर आफ्टर लेबेंस आर्टिकल इन 1966 फिर उसके बाद 1967 में दे हैव अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड एम्पेरिकल डेटाज आए उसमें जिसमें एक्स एफिशेंसी को देखा गया फिर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कंसिस्ट विद एक्स थेरी फिर उसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो गए और एम्पेरिकल डाटा की बेस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हुई अब यहाँ आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट जीरो अगर आते तो क्या होते और फिर जब रैंकिंग इसकी जीरो पर आई तो क्या हुआ सो तो ये मॉडल बनाया गया लेकिन फाइनल ये जिसके आपको का जो जब निकला, तो एक्स एफिशिएंसी का फाइनल मीन जो था वो पॉइंट एट था अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो मैं आपको सिक्स रिकमेंड करूंगा जिस पर नाइन पॉइंट नाइन 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 के ऊपर आए या थ्री पॉइंट थ्री 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 के ऊपर आए तो आपको आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं यानी फॉर एग्जांपल जीरो रेटिंग का या जीरो एरर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज की मॉडर्न क्वालिटी के अंदर लेकिन सिग्मा जो है उसका एरर जो है वो आपको सामने यानी पॉइंट थ्री की स्पेस के साथ बनता है तो इसी तरीके से जब यहां पर एक्सी की रैंकिंग रे, बनी तो वन पॉइंट जीरो जो थी उसकी जो फर्म्स ऑन द फ्रंटियर है

उटपुट दिन यूज ट्वेंटी इनपुट इस रिसर्च ने साबित किया कितनी, कितनी स्ट्रेंथ पे जाता है तो मॉडर्न फाइटिंग के अंदर भी पता चलता है कि इसकी स्पीड uh, uh, कितनी होगी फॉर एग्जाम्पल मैं पंच करता हूँ तो पंच की स्पीड कितनी uh, कितने में जा सकती है और उसके अंदर कितनी एफिशेंसी है मजीद कैपेसिटी की कि वो इंक्रीज की जा सकती तो इसी तरीके से कार्स में भी आ गई प्रोडक्शन में भी आ गई तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप एक्स एफिशिएंसी पे ले आएंगे तो हमें परसेंटेज से पता चलेगा कि हमारे पास कितनी परसेंटेज मजीद है इसको इंक्रीज करने की कि स्ट्रेंथ और इंक्रीज की जा सकती है और इनपुट लिया जा सकता है और मजीद जो है वो कैपेसिटी डेवलपमेंट में कितने परसेंट इंक्रीज करने की और स्पेस बाकी है दिस इज This uh, research paper gives you the X efficiency, uh, a thematic empirical data analysis. Thank you very much.